हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई के भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट फैक्ट लाए हूँ गाइस, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखो गाइस, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस न्यूट्रिशन आपको दो चीज़ पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो गाइस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कहाँ से क्वेश्चन बनता है? देखो, व्हाट 3 इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इससे क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है गाइस। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन को आपको याद रखना होगा। ठीक है, 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल के साथ में सनलाइट चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का रॉ मटेरियल है गाइस। ठीक है, ये क्या हुआ, प्लांट इसको रॉ मटेरियल में यूज़ करता है और क्या बनाता है गाइस, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6+O2 ये हम लोग को रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लेते हैं श्वसन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो गाइस ये प्लांट के लिए क्या हुआ, फूड हो गया। देखो ये क्या हो गया, हम लोग प्लांट के लिए फूड हुआ। ठीक है, फूड है, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं गाइस हम लोग स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च या ग्लूकोज एक ही नाम है। ठीक है, तो गाइस 3 इवेंट होता है एग्जाम में पूछा जाता है ना, कौन सा इवेंट है? तो इवेंट नंबर 1 है गाइस, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पहला इवेंट। ठीक है, सेकंड है गाइस हम लोग का कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2NO2। ठीक है, सेकंड क्या होगा, इस कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और सेकंड इसी में है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, यानी H2O मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होगा, H2NO2 मॉलिक्यूल में, ये सेकंड इवेंट होगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड गाइस हम लोग का रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, सॉरी थर्ड गाइस हम लोग का रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका किसका रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस हम लोग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके HOT से, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल से क्वेश्चन पूछता है। देखो, इफ़ यू ऑब्जर्व्ड केयरफुली अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। ठीक है, दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, जो ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो बताओगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जैसे गाइस देखो लीफ है, लीफ में डॉट दिख रहा है, ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, धब्बा दिखाई पड़ रहा है, पैच दिखाई पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट गाइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस आपके एक्टिविटी 6.1 से क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च टेस्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या होता क्या है, तो गाइज स्टार्ट टेस्ट में आपको पूछता है कलरिंग। ठीक है, कलरिंग से क्वेश्चन पूछता है, ये लीफ हुआ बिफोर है गाइज। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट से पहले हम लोग ये पहले के पत्ती। ठीक है, और ये गाइज हम लोग का स्टार्ट टेस्ट किए तब का पत्ती। ठीक है, तो पहले देखो गाइज ये क्या था, हम लोग का ग्रीन था, इसमें ग्रीन मतलब कि ये क्लोरोफिल इसमें है प्रेजेंट। ठीक है, अब गाइज इसको हम लोग बॉइलिंग किए। ठीक है, और बॉइलिंग करने के बाद जब टेस्ट कर रहे थे, इसमें अल्कोहल डाल के बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, अल्कोहल डाल के बॉइलिंग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो ग्रीन धब्बा होता है ना उड़ जाता है। ठीक है, ख़त्म हो जाता है गाइस। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन के घोल में सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर था अगर ब्लू हो गया। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर था ये ब्लू हो गया, मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हम लोग का स्टार्च, यहाँ से स्टार्च खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम लोग का स्टार्च खत्म हो गया। अगर ब्लू नहीं होता तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता। ठीक है, लेकिन ये ब्लू हुआ, ब्लू होने का मतलब है गाइस यहाँ पर स्टार्च नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, अब गाइस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्टोमेटल जो पोर होता है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो वो है गाइस आपका गार्ड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल। ठीक है, यही क्या करता है, चूँकि देखो गाइस इसी स्टोमेटा में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या होता है, दोनों गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिसको रेगुलेशन कौन करता है, गार्ड सेल करता है। ठीक है, गार्ड सेल ओपनिंग करता है और क्लोजिंग करता है। ठीक है, अब गाइस आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, एक दो जार लिए गाइस। ठीक है, एक जार ये लिए और एक जार ये लिए। ठीक है,
इसमें गैज हमने एक प्लांट बनाया है, बहुत सिंपल प्लांट बनाया, ठीक है, सिंपल प्लांट बनाया है मैंने समझाने के लिए। तो गैज ये हम लोग का पोटेड प्लांट, ठीक है, ये भी हम लोग क्या है, पोटेड प्लांट, ठीक है। इसमें गैज हम ले लिए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम नहीं लिए, ठीक है, याद रखना इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है, सेकेंड ला में। तो गैज इसका प्रॉपर्टी क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, सी ओ टू को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एब्जॉर्ब करता है सी ओ टू को, ठीक है। तो गैज आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि तो गाइस आपसे एग्जाम पूछता है कि स्टार्च किसमें बनेगा और किसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें वन ला में जो फर्स्ट जार दिख रहा है ना, इसमें इसमें स्टार्च बन नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, देखो इसमें क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सी ओ टू तो एब्जॉर्ब कर लिया, अगर सी ओ टू को एब्जॉर्ब कर लिया तो खाना बना पाएगा, नो, क्योंकि एसेंशियल है सी ओ टू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है सी ओ टू, अब इसी को सोख लिया तो बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना गाइस। और गाइस ये क्या करेगा, इसमें स्टार्च बन पाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है दोनों को, दोनों पॉट प्लांट को सनलाइट में रखा है, ठीक है, सनलाइट में रख दिया गया, ठीक है, इसलिए तो गाइस इसमें तो बन पाएगा, सेकेंड ला में क्या होगा, बन पाएगा स्टार्च, लेकिन फर्स्ट ला में नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर से सी ओ टू को ये सोख लिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गाइस ने ये इसको जरूर देखा जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस हम लोग का न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस इसके चार प्रोसेस होते हैं, ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, फूड पार्टिकल को ये जो अमीबा है पहले घेरेगा, ठीक है, इसको सीरोपोडिया से क्या करता है गाइस, इसको घेरना चाहता है, ठीक है, आपको वहाँ देखो यहाँ पर देखो घिरा रहा है, इस फूड पार्टिकल को ये घेरना चाहेगा, ठीक है, तो घेर लिया गाइस। देखो सबसे पहले क्या होता है गाइस, फूड का इंजेशन होता है, ठीक है, अमीबा में इंजेशन होता है, ठीक है, फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा किससे, सीरोपोडिया से, ठीक है। उसके बाद गैस सी में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स में फूड चला जाता है, ठीक है, ये जो खाना था, ये जो फूड पार्टिकल था गैस, अमीबा क्या किया उसको पकड़ के अंदर ले गया, ठीक है, फूड वैक्यूल में ले गया। अब गैस यहाँ देखो फूड वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक एंजाइम पाया जाता है जो इस फूड पार्टिकल को पचा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको पचा लेता है, अब पचाने के बाद फोर्थ स्टेज में क्या होता है गाइस, इसका इसको बाहर निकालता है, इसका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो गाइस इसमें कोई भी एक्सक्रीशन पार्ट नहीं है, ठीक है, किडनी वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है, तो बॉडी सरफेस से ही क्या करता है, वो बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये अमीबा का न्यूट्रिशन देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। आज हम यही रखते हैं गाइस, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इसी प्रकार से हम सारा चैप्टर का बताएंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर से हम लोग दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।